कटिहार में हाल के दिनों में कोड़ा थाना क्षेत्र के NH 31 लूट गिरोह के टारगेटेड जोन बनता जा रहा है, लेकिन कटिहार पुलिस भी ऐसी घटनाओं को चुनौती के रूप में ले रही है। और पुलिस ने 25 जनवरी को कोड़ा थाना क्षेत्र के NH 31 पवई इमली चौक पर मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर अपराधी कर्मी द्वारा हथियार के बल पर ऑनलाइन कंपनी के डिलीवरी बॉय से नगद मोबाइल, LED टीवी के साथ अन्य लूटे गए सामान को बरामद किया। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय गौतम पासवान से 25 जनवरी को लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। फ्लिपकार्ट जो डिलीवरी बॉय था उसके साथ लूटपाट की घटना हुई थी NH 31 हमारा कोड़ा थाना के अंतर्गत। उसमें उसके साथ 40,000 रुपया और उसका मोबाइल और एक 55 इंच का LED टीवी था, उसको अपराधियों ने लूट लिया था। इसको लेकर के कोड़ा थाना में 392 में कांड दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए SDPO कटिहार के नेतृत्व में SIT गठन हुआ। CCTV कैमरा, तकनीकी अनुसंधान, इन सबके सहयोग से हम लोगों ने इस केस का उद्भेदन किया है। कुल 5 लोगों को जो है हम लोगों ने पकड़ा है। मोबाइल बरामद है, LED टीवी बरामद है, कुछ रुपए जो हैं 10,000 के लगभग हैं वो बरामद है। घटना के बाद से पुलिस लगातार CCTV फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर इस मामले की उद्भेदन करते हुए अपराधी के साथ साथ लूट के सामान खरीदने वाले और इस घटना में सहयोग करने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लूटे गए 40,000 में 10,400 नगद, लूटे गए LED टीवी, एक लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया, जबकि लूट की घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए देसी पिस्टल और मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया। जो क्रिमिनल है वो बसगढ़ा, जो कि PO से बहुत दूर नहीं है, लोकल ही है सब, कोड़ाई थाना के यही लोग जो है इसमें मुख्य रूप से कृष्ण कुमार है और बीरेंद्र सिंह उर्फ बिल्टा, और इसके साथ 2 और हैं जिनको अभी गिरफ्तार करना है। इन लोगों ने जो है लूट किया था और बाकी लड्डू कुमार, मुकेश, अमित, इन लोगों ने जो है जो लूट का सामान था उसको जो है बेचा था, और LED टीवी जो है वो अमित कुमार के पास से बरामद हुआ, मुकेश कुमार मेहता जो है उसके द्वारा बेचा गया था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 5। पहले अपराधी के इसमें जो है हम लोग खंगाल रहे हैं, कुछ लोगों का इसमें जो है हमको लग रहा है बिल्टा का होना चाहिए, और बाकी जो है नए लोग हैं और 1-2 और अज्ञात हैं, हम लोग उसको भी जो है जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। वही लूट कांड को अंजाम देने के आरोप में पकड़े गए सभी आरोपियों ने भी अपनी अलग अलग पहचान भूमिका के बारे में स्वीकार किया, जिससे पुलिस अब भी पूछताछ कर रही है। अंजाम कैसे दिया था, क्या क्या तैयारी? सर हमको मेरा पैसा बाकी था, उसमें हमको बोला कि 500 रुपया बाकी था और बोला कि LCD बेच दो, पैसा तुम 500 रुपया काट लेना। अच्छा, तो हम अमित भैया को फोन किया तो अमित भैया आया तो LCD लेकर चले गए। तो ये इससे पहले कौन कौन घटना और कहां कहां लूट करना थी हम इस सब बात नहीं जानते हैं। बहरहाल NH 31 पर बढ़ते अपराध को अंकुश लगाने के लिए ये उपलब्धि कटिहार पुलिस के लिए बेहतर है, लेकिन आगे भी पुलिस को और सजग रहने की जरूरत है ताकि अपराधियों के लिए उच्च हाईवे 31 सॉफ्ट जोन न बन जाए।